तो है गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं करियर मोड। मैंने कमेंट सेक्शन पे पूछा था पिछली वाली वीडियो पे करियर मोड खेलूं या ओडीआई वर्ल्ड कप हीरोज खेलूं। आप लोगों ने मैक्सिमम कमेंट किया था भाई करियर मोड का वीडियो चाहिए, तो करियर मोड का वीडियो कल आने वाला था लेकिन आज आ रहा है। क्यों पता है? मैंने कल करियर मोड खेला था वीडियो डालने के लिए, खेलने के बाद मैंने देखा भाई साहब मैं तो रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाना ही भूल गया। मतलब कभी कभी लगता ना अपूर्णी गजनी है। तो गाइस आज करियर मोड पे हम लोग स्पार्टन का बैट लेकर खेलेंगे। एंड मैंने अभी तक जितना सारे मैच खेला वो ज्यादातर एमआरएफ के बैट के साथ खेला, तो आज हम एमएस धोनी का बैट द स्पार्टन बैट लेकर खेलने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, तो इसीलिए मैं स्पार्टन का बैट ले लिया। एंड आज मैच होने वाला है नॉर्थ जोन के साथ फर्स्ट क्लास, मतलब रणजी मैच। तो चलो मैच शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ जोन ने कहा है हेड्स, देखते हैं टॉस कौन जीतता है। टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईस्ट जोन यहाँ पर टॉस जीत चुका है भाई। दोनों क्या जुड़वा है क्या? सेम दिखने वाला इंसान है दोनों ही भाई, जुड़वा भाई खेल रहे अलग अलग टीम से। ओ भाई साहब, ईस्ट जोन ने यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया। मुझे यहाँ पर बॉलिंग मिल चुका है, मैंने 11 मैच पे 10 विकेट लिया। एंड तो चलो देखते हैं पहला गेंद। 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुका है। सोलंकी यहाँ पर स्ट्राइक पर है, पहला बॉल इशू पर का आराम से खेला है डॉट गेंद। एंड कमेंट सेक्शन पे अपना अटेंडेंस जरूर लगा देना। चौथी बॉल इशू ओवर का एंड ओ भाई बढ़िया गेंद था यहाँ पर, भारी किनारा लगा एंड यहाँ पर। अरे बच्चा देखो मेरा हाइट एंड बैट्समैन का हाइट कितना छोटा है बैट्समैन, लेकिन यहाँ पर एज लगा, चौका मिल गया। तीसरा बॉल इशू ओवर का एंड पढ़ने के बाद क्या अंदर आया भाई, बैट्समैन बोल्ड होगा, छोड़ेगा नहीं, बोल्ड हो जाएगा तू। चौथी बॉल में एक बाउंसर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर पुल खेल दिया बहुत ही बढ़िया, फील्डर को बीट भी करा। अरे बच्चा बच्चा देखो बच्चा बच्चा खेल रहा है भाई, बहुत बढ़िया पुल लगाया, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर। मुझे बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरा बॉल है शोफार का, स्विंग ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करे क्या करे तो करे क्या, स्विंग ही नहीं मिल रहा है। तीसरा गेंद लेग कटर की कोशिश यहाँ पर, बढ़िया शॉट भाई साहब, क्या सही यहाँ पर गैप ढूंढ के निकाला, बहुत ही बढ़िया बैकफुट पे 5 लगाया एक्स्ट्रा कवर के दिशा में एंड यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ। गेंद तो बहुत सही था लेकिन शॉट ओपी शॉट है भाई, परफेक्ट टाइमिंग। पहला स्पेल पे मैंने 4 ओवर पे 19 रन दिया था, तो सेकंड स्पेल यहाँ पर मुझे मिला एंड बॉल थोड़ा सा भी पुराना नहीं हुआ, कोई नहीं। यहाँ पर पहला गेंद 35 ओवर ऑलरेडी हो चुका है, नाइस बॉल 130 पे 3 विकेट। तीसरा बॉल शोफर का एंड डिफेंस किया, विकेट टू विकेट में गेंदबाजी करना चाहता हूँ तो, क्योंकि बॉल पे टर्निंग या स्विंग वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है। लास्ट बॉल शोफर का एंड शॉट, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था, वो भी सीधे बल्ले से भारी किनारा लगा, लक साथ दिया छोटू का एंड बार एज लगने के बाद छोटू को मिलता हुआ 4 रन। तीसरा बॉल है शोफर का एंड आराम से शॉट खेला भाई, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। चौथी बॉल यहाँ पर मैं कटर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा काटर वगैरह हो रहा है लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है। तीसरा बॉल यहाँ पर बाउंसर करने की कोशिश मेरा, लेकिन पुल छोटू ने अच्छा पुल लगाता है भाई, छोटू के खिलाफ मैंने 2 बाउंसर की कोशिश किया, दोनों बाउंसर में पुल लगा के मेरे को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लास्ट बॉल इज ओवर का एंड ओह नाइस बॉल। दूसरा बॉल है इज ओवर का, बहुत अच्छा काटर था। पांचवी गेंद में फिर से यहाँ पर काटर देने वाला हूँ, यहाँ पर भी भाई टॉपेज लग रहा है, इसको ठीक से खेल नहीं पा रहा है बंदा। दूसरा बॉल इस शोफर का एंड ओ भाई साहब सही बॉल था, ये भी भारी किनारा लगा। अरे यार मतलब स्लीप, इतना सारे स्लीप है उसके बावजूद देखो भाई बैट्समैन का लाभ यहाँ पर कितना साथ दे रहा है। लास्ट बॉल इस शोफर का एंड यहाँ पर इनसाइड, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा हूँ लेकिन वही इनसाइड एज आउटसाइड एज लग रहा है, वो बैट्समैन का प्रेफर में जा रहा है, चौका फिर से चला गया। मुझे यहाँ पर मेरा तीसरा स्पेल मिला है, मैंने 10 ओवर पे 42 रन दिया टोटल, तो यहाँ पर तीसरा स्पेल मिला एंड 6 विकेट ऑलरेडी गिर गया है यहाँ पर नॉर्थ जोन का। तो पहला बॉल इस ओवर का एज लगा था यार, बैट का मुंह पहले ही मोड़ दिया था, बढ़िया गेंद था। तीसरा बॉल इस ओवर का इनसाइड, अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, इतना सही गेंदबाजी मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा लाख पे आज विकेट है ही नहीं, बैट्समैन तो यहाँ पर लाख प्रिफर कर रहा है हर बार। चौथी बॉल शोफर का कैच, कैच गॉन, यस हर बार नहीं करता है भाई, बेटे जी समझाने की कोशिश करो, तुम्हारा लाख इतना सही नहीं है, एक बार ना एक बार तो मेरा प्रिफर में लाख आएगा ही, इस बार आया था एंड इस बार ईशान किशन भी बढ़िया कैच पकड़ लिया, मेरे को
विकेट मिला, एक तो विकेट मिला एटलीस्ट। पांचवी गेंद थी शोफर का एंड भाई टॉप, क्या बॉल था। चौथी बॉल शोफर का कैच, ओ भाई से थैंक यू सो मच। ये फील्डर कौन है मुझे पता नहीं, लाइक इस विकेट में मेरे से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर फील्डर का है भाई, लव यू ब्रो। एज तो लगा था लेकिन यहाँ पर उठता हुआ फील्डर ने बहुत ही सही कैच पकड़ा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन था वो फील्डर? एडविन, थैंक यू सो मच एडविन भैया, थैंक यू सो मच। पांचवी गेंद थी शोफर का, चौथी बॉल शोफर का, एज लगा कैच कर, ओ यार फील्डर डाई मार देता भाई, कैच हो जाता। चौथी बॉल शोफर का, नाइस बॉलिंग ब्रो, नाइस बॉलिंग। तो यहाँ पर मेरे को बैटिंग मिल चुका है एंड मेरा एवरेज है 38 का, तो 166 रन पे तीन विकेट ऑलरेडी गिर गया एंड यहाँ पर 49 रन हम पीछे है, सिर्फ 49 रन, ओके कोई नहीं। एंड पहला गेंद यहाँ पर डिफेंस, ऐसा डिफेंस खेलना बनता भी है। लास्ट बॉल शोफर का, आराम से शॉट खेला, रन नहीं मिलेगा। ओवर थ्रो के चलते यहाँ पर रन मिलेगा भाई, पूरा चार रन मिलता हुआ, चार रन, यार क्या गंदा फील्डिंग। पहला बॉल शोफर का शॉट, बढ़िया खेला, यहाँ पर कोई भी फील्डर नहीं था, क्या शानदार शॉट ड्राइव लगाया, चार रन मिलता हुआ यहाँ पर मुझे भाई, बहुत ही परफेक्ट शॉट यहाँ पर भाई। टाइमिंग देखो, ओह स्पार्टन का बैट ओपन द चैट। दूसरा बॉल यहाँ पर चहल के तरफ से स्वीप, तो अच्छा मैंने लगाता हूँ, जो मेरा लाइव स्ट्रीम देखता है उसको पता है मैं कितना अच्छा स्वीप खेलता हूँ। अगर पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं डेली 8 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आ जाएगा ना उधर, पता चल जाएगा आपको मैं कितना अच्छा स्वीप शॉट खेलता हूँ। दूसरा बॉल है शोफर का, शॉट बढ़िया लगाया, पावर का यूज भी मैंने यहाँ पर किया, सिर्फ पावर का यूज नहीं प्लेसमेंट भी अच्छा किया, तो इसलिए यहाँ पर चार रन मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया। एक्स्ट्रा कवर का जो गैप था उसी वाली गैप पे शॉट खेला, स्पार्टन का बैट ओपी है। तीसरा बॉल है शोफर का, यहाँ पर भी पावर का यूज किया था लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता है भाई, पावर के साथ साथ आपको टाइमिंग भी चाहिए तभी आप अच्छा खासा शॉट लगा पाओगे। पांचवी बॉल शोफर का, बंदा फ्लाइट दे रहा है, मयंक यहाँ पर बहुत ही दिमाग से बॉलिंग कर रहा है, हर एक बॉल पे फ्लाइट ही दे रहा है। लास्ट बॉल शोफर का एंड नाइस, कुगली देगा, मेरे को पता था। मुझे यहाँ पर अच्छा सा बैटिंग करना पड़ेगा क्योंकि 6 विकेट गिर गया, मतलब एक साइड से विकेट गिरे जा रहा है, मुझे खुद को ज्यादा स्ट्राइक लेना पड़ेगा एंड अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर मुझे बैटिंग करना पड़ेगा। धवन तो बहुत खुश है क्योंकि विकेट गिर रहा है ना, मयंक यहाँ पर साइड चेंज करके मुझे बॉलिंग कर रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एंगल तो यहाँ पर अच्छे से बन रहा है स्वीप खेलने के लिए एंड चार रन भी मैंने मार दिया भाई। तुम उस साइड से बॉलिंग कर रहे थे, अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, तो इस साइड पे आने का क्या जरूरत था, मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया ना, इस साइड से अगर गेंदबाजी करोगे तो स्वीप में बहुत ही अच्छे से खेल सकता हूँ। पहला बॉल यहाँ पर मयंक के तरफ से एंड नाइस, ए वाला लाइन लेंथ एंड साइड एंगल सब कुछ बहुत ही सही है, मर्चेंट भाई सब आया है यहाँ पर एंड यहाँ पर मर्चेंट का स्वागत किया है मैंने यहाँ पर स्वीप लगा के एंड वो दो जाएगा 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भाई। 7 विकेट भी गिर गया, मुझे वो भी ध्यान पे रखना पड़ेगा एंड यहाँ पर रन भी मुझे बनाना पड़ेगा। मैं 49 पे पहुंच चुका हूँ भाई साहब, मैं 49 पे यहाँ पर पहुंच चुका हूँ एंड ऑलरेडी 7 विकेट भी गिर गया एंड आराम से शॉट खेला, एक रन यहाँ पर चूड़ा लूंगा मैं एंड इसी के साथ बॉलिंग करते टाइम पे 2 विकेट लिया, बैटिंग करते टाइम पे यहाँ पर 50 रन भी बनाया 45 बॉल पे, बहुत ही बेहतरीन 50 रन भाई, परफेक्ट ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर मेरे तरफ से। पहला बॉल विपिन मर्चेंट के तरफ से, बढ़िया शॉट मर्चेंट के खिलाफ, ए वाला एंगल मेरे सामने काम नहीं करने वाला है, ठीक है कोई भी स्पिनर हो सबके लिए ए वाला एंगल मेरे सामने तो काम करने वाला है नहीं एंड 4 रन मार दिया। तीसरा बॉल है शोफर का एंड शॉट अच्छा लगाया, मैंने पहले भी बोला था ए वाला तुम जो गेंद करना है कर लो भाई, ए वाला एंगल से, ए वाला लाइन लेंथ पे, ए वाला फील्ड सेटअप से बॉल करोगे तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। 8 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। दूसरा बॉल है शोफर का, तो मैं अब थोड़ा सा हिटिंग करके खेलने वाला हूँ क्योंकि 2 विकेट बाकी है, जितना हो सके मुझे ही रन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिटिंग करने वाला हूँ एंड कर भी दिया, 4 रन मिलता हुआ मुझे। तो यहाँ पर 9 विकेट गिर गया, तो मैं ही हूँ तो मुझे हिटिंग यहाँ पर बनता है क्योंकि और कोई बैट्समैन है नहीं, लास्ट विकेट है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, फास्ट फॉरवर्ड मतलब अपना रन की गति थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला हूँ एंड यहाँ पर छक्का भी मार के वो मैंने प्रूव कर दिया। सवाल शोफर का शॉट, बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में यहाँ पर एज लग गया एंड क्या भाई आउट हो गया मैं, यहाँ पर बड़ी किनारा लगा एंड विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया,
इसी के साथ यहाँ पर बंगाल का इनिंग्स हो चुका है खत्म। तो सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर मुझे बॉलिंग मिल चुका है, 11 मैच में मैंने 12 विकेट टोटल लिया एंड 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुका है यहाँ पर नॉर्थ जोन का। बट्टा बट्टा स्ट्राइक पर है, पहला बॉल यहाँ पर मेरे तरफ से स्ट्राइक पर बट्टा है, बट्टा ने फ्लिक करा पहली गेंद पे। अरे भाई पहली गेंद पे रन लेना जरूरी है क्या भाई यार, पहली के बॉल पे क्यों रन लेते हो भाई। पांचवी गेंद की शो बड़का भारी किनारा लगा कैप पे निकल गया यार, बैट्समैन तू ग्रेट है भाई, तेरा लाख कितना सही है तू तो ग्रेट है ही। एक ओवर इस ओवर पे मैंने अभी तक रन नहीं दिया, लेकिन नहीं मैंने मुझसे निकल गया भाई, मैंने बोला रन नहीं दिया यहाँ पर तो पुल लगा के 2 रन भाग लिया, तो लास्ट बॉल पे यहाँ पर 2 रन मिलता हुआ। लास्ट बॉल इस शोफर का और नाइस अपील। अबे चचा ओ चचा इधर देखो ना, ओ चचा चचा इधर तो देखो, आउट दे दो चचा, ओ चचा चचा आउट है, ओ चचा बता दो। अरे चचा ने बोला दूसरा बॉल इस शोफर का, मैं बाउंसर देने की कोशिश, अबे विकेट कीपर पकड़ ले भाई, छोड़ दिया भाई चार। दूसरा बॉल इस ओवर का नाइस बॉल, स्लो बॉल था समझ नहीं पाया बैट्समैन। तीसरा बॉल इस ओवर का, इस इनिंग्स पे भी मुझे विकेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर मयंक मार्कंडे एंड ए भट्टा दोनों बहुत ही सही बैटिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया बैटिंग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बैटिंग मिल चुका है, मेरा एवरेज 38 का था अभी 40 का हो चुका है एंड 186 का टारगेट है एंड 99 रन पे 3 विकेट गिर गया। ठीक है मेरे साथ एडविन बैटिंग कर रहा है, तो मैच तो यहाँ पर इस जोन के पास ही है, मतलब इस जोन के हाथ पे ही है, थोड़ा सा यहाँ से बैटिंग करना पड़ेगा। यहाँ चौथी बॉल इस शोफर का एंड स्वीप, नाइस स्वीप, एक रन। सेकेंड इनिंग्स पे भी मेरा खाता खुल चुका है, पहला बॉल यहाँ पर विपिन मर्चेंट की तरफ से, स्वीप शॉट तो अच्छा कनेक्ट करा लेकिन पीछे फील्डर है, तो भाई थैंक यू सो मच, तुम इतना प्यारे हो मुझे तो पता ही नहीं था भाई, तुम इतना प्यारे हो मैं क्या ही बताएं, मतलब बॉल के साथ पैराल होगा, बोला ओ बोला बॉल तू रुक तेरे साथ मैं पैराल भागूंगा, देखता हूँ कौन पहले रेस जीतता है, तो इसीलिए देखो पैराल भागा, वो था चहल हमारा प्यारा चहल भैया। दूसरा बॉल नीतीश राणा का, यहाँ पर स्वीप मार दिया नीतीश राणा के खिलाफ, बढ़िया टाइमिंग, टाइमिंग गुड है, गुड मतलब बढ़िया तो है, ये फील्डर भाग रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाया, मुझे 4 रन मिलता हुआ, बढ़िया स्वीप शॉट, स्वीप शॉट का एक्सपर्ट अर्चिक्समन कोले है। पांचवी बॉल इस ओवर का, स्वीप कनेक्ट किया एंड स्वीप कनेक्ट हुआ तो मतलब वो मेरा जब स्वीप कनेक्ट होता है ना वो बाउंड्री से पहले रुकता ही नहीं है, तो यहाँ पर 4 रन और 1 रन मुझे मिलता हुआ। लास्ट बॉल इस ओवर का एंड ओ नो नो, मतलब वो होता है ना जिस तलवार से आप दूसरे को मारते हो उसी तलवार पे आप खुद भी कर जाते हो, मेरे साथ वो हुआ, ये स्वीप शॉट से ही मैं रन बनाता हूँ एंड इस स्वीप शॉट से ही मैं खुद भी कट गया भाई, मतलब क्या ही बताएं, एंड स्वीप करने की क्या था मैंने आउट हो गया भाई, 17 रन बना के आउट हो चुका हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर ईस्ट जोन इस वाले मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन ने फर्स्ट इनिंग्स में 93 रन बनाया एंड सेकेंड इनिंग्स में 50 रन बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच भाई मेरे को देना चाहिए था, क्योंकि मैंने फर्स्ट इनिंग्स पे 76 रन बनाया था, 2 विकेट भी लिया था, वो अलग बात है सेकेंड इनिंग्स पे कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला ही नहीं मुझे। तो आज का मैच यहाँ पर हो चुका है खत्म। तो गाइस नेक्स्ट मैच फिर से नॉर्थ जोन के साथ ही होने वाला है, इस जोन का टेस्ट मैच फिर से होने वाला है, तो नेक्स्ट वाला मैच नेक्स्ट वीडियो पे मैं लेकर आऊंगा एंड आप लोगों को कमेंट करके एक बात बताना होगा, जो मेरा बंदा है जो राइट साइड पे है मेरा बंदा, इसके बॉडी पे कोई भी टैटू वगैरह नहीं है, तो मुझे टैटू करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए कमेंट सेक्शन पे बताना, अगर कराना चाहिए तो कहाँ कराना चाहिए वो भी बताना, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड पे उसको टैटू के साथ लेकर आऊंगा। ठीक है तो गाइस इस वाले वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर जो रेड वाला बटन है उसको दबा दो, उसके बाद घंटी भी बचा देना। तो गाइस नेक्स्ट में अब तक अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुझको रहिए, मेरा चैनल को इसी प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।